जानिए श्री गणेश जी की वो गुप्त एवं रोचक बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलमूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं उतनी विचित्र इनसे जुड़ी कथाएँ भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको श्री गणेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही गुप्त एवं रोचक बातें बताएंगे। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियाँ जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती जी से कहा कि नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव जी की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार विचार करने आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 या फिर 121 दुर्वा से श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था। इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए हुए खड़े हुए थे। पार्वती जी द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो जाएगा, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उनका सिर धड़ से अलग हो गया। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार जब शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्य भद्रा नदी के तट पर हथनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सिर काट कर ले आए। उस गज बालक का सिर श्रीहरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा के तट से गुजर रही थी। उस समय वहाँ श्री गणेश भी तपस्या कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी जी ने गणेश जी से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन गणेश जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां रिद्धि और बुद्धि के साथ हुआ है। श्री गणेश के 2 पुत्र हैं जिनके नाम है क्षेत्र और लाभ या फिर शुभ और लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुँचे तो भगवान शिव ध्यान में थे। तब से गणेश ने परशुराम को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने ही परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेला, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत कहते हैं। महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया था, यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शर्त इस
शर्त इस प्रकार से थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तभी मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने यह शर्त मान ली और श्री गणेश से कहा कि मैं जो भी बोलूँ आप उसे बिना समझे मत लिखिएगा। तब वेदव्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते कि उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता। इस बीच महर्षि वेदव्यास जी अन्य काम कर लेते थे। गणेश पुराण के अनुसार छंद शास्त्र में 8 गण हैं, मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी जाती है। अक्षरों को भी गण कहा जाता है। इनके इस होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसीलिए ये विद्या बुद्धि के दाता भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।